हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसाम इलेक्ट्रीशियन। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक स्टार्टर और एक एमसीबी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो एसी लगाने से पहले ये स्टार्टर और एमसीबी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टार्टर है 25 एम्पेयर का और ये जो एमसीबी है ये 20 एम्पेयर का। तो चलिए इसका हम कनेक्शन को करते हैं। तो एक मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया है। ये जो एमसीबी है इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो लोड वाला टर्मिनल और नीचे लाइन वाला टर्मिनल। तो पहले हम इस लोड वाले टर्मिनल पे इस रेड वायर को लगाएंगे। और इस एंड को, ये जो स्टार्टर है इसका भी दो टर्मिनल है, एक तो लाइन टर्मिनल है और एक तो मोटर टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो लाइन वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। तो एमसीबी के साथ स्टार्टर का कनेक्शन हो गया है। तो अब इसमें हम मेन लाइन को लगाते हैं। इसके लिए रेड और ब्लैक वायर लिया है। इस रेड वायर को हम ये जो एमसीबी का जो लाइन वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। अब एक तो होल्डर लिया है, इसका भी कनेक्शन करते हैं। तो ये जो रेड वाला जो वायर है होल्डर का, इसको हम ये जो रेड वाला जो वायर है इस वायर को और यहाँ पे जो स्टार्टर का जो इंडिकेटर का जो वायर है दोनों एक वायर को जोड़ के जो स्टार्टर का जो मोटर जो टर्मिनल है, ये स्टार्टर का जो मोटर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे एक साथ इस दोनों वायर को लगा देंगे। और ये जो होल्डर का जो रेड जो ब्लैक जो होल्डर का जो ब्लैक वायर है इस वायर को और ये जो नेगेटिव वाला जो जो ये जो मेन नेगेटिव है इस वायर को और ये जो इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है ये तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये तीनों नेगेटिव को एक साथ जोड़ के हम इसमें टेप लगा देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। तो चलिए अभी बोर्ड को हम टेस्ट करते हैं। तो हम ये एमसीबी ऑफ है तो स्टार्टर को अभी ऑन किया है। तो देखिए लाइट जल नहीं रहा है। तो हम ये एमसीबी को ऑन करेंगे और ये स्टार्टर को ऑन करेंगे तो देखिए जल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका एसी का लाइन बंद रहे तो ये एमसीबी को ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑफ, ये जल नहीं रहा है, इसको आप ऑन करेंगे तो जलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।